सर मैंने जो एक दिन, हाँ जी, गुलफाम गुलफाम बोले, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से गांव से बोल रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश सर, मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में एक गाँव पड़ता है, गजरोला शहर। गांव कौन सा पड़ता है? गजरोला शहर, गजोला। गजरोला शहर। अच्छा, गजरोला, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना भाई साहब। चलो तो आप किस चक्कर में मेरे को फोन कर रहे हो, क्या है आपके दिमाग में, क्या घूम रहा भाई? सर मैं देखता हूँ कि जो भी ये कनाडा के लिए अप्लाई, तो मैं वीडियो देखता रहता हूँ आपकी सर। तो मैंने एक दिन गूगल पे जो सर्च किया कनाडा यूनिवर्सिटी के लिए, लिस्ट निकाली और अपनी मेल वोल डाली और फॉरवर्ड कर दिया इंक्वायरी के लिए। तो हाँ, इंक्वायरी के लिए फॉरवर्ड किया तो अब पता ना कहाँ से कंसलटेटर कॉल करने के इमिग्रेशन वाले, कॉल तो कॉल कर दी कहीं से कर दी कहीं से। मान कि मैंने तो आपको जो फ़ोन भी नहीं किया, मेरा नंबर कहाँ से आया आपके पास में सर? हाँ नो मेल तो वो बोले मन कि हाँ मैंने स्टडी वीजे के लिए तो किया था, इंक्वायरी डाली थी मगर, तो बोले आपका जो सर है ना क्या करना है आपको, मैंने स्टडी वीजे के लिए कराना है। तो हाँ बोले आपका आना पीआर हो जाएगा, अगर आप पीआर कराना चाहो अपना परमानेंट अबे भाई रेसिडेंसी। यार, रुक जाओ गुलफाम, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। ये कौन लोग हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं भाई साहब? ये हैं कौन जो आप कह रहे हो कि इमिग्रेशन से कॉल आया, यहाँ से कॉल आया, कौन थे आदमी ये लोग? तो है आउट दो ऑफ्टुलेन जैसे कुछ है इमिग्रेशन, क्या ऑफ्टुलेन जैसी कोई इमिग्रेशन है। तुमने बोला सर ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब प्यार कैसे हो जाएगा, आप जो फ्रॉड बोले अबे फ्रॉड यार, अबे हो यार, पैसा है भैया, इंडिया में हर जगह है, इंडिया के बाहर भी, तब तरह तरह के ठग बैठे हैं और एक दूसरे बोले को फोन कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनसे पहले बोल ले भाई कि तू मेरी पीआर करा रहा है, तू आपको भी कनाडा गया कि नहीं गया, पहले ये बता। हाँ तो मैंने बोला चलो सही है आप, तो मन की आपको जो अपनी वहाँ पे जो है उनका नंबर दो किसी का, या कोई आपका ऑफिस है क्या है वहाँ पे, कुछ होगा आपका जब आप जो इतना बोल रहे हो, इतना रिस्क कर ले रहे हो, मन की ऐसे हाँ समझ रहे हो जो पीआर मिल जाए किसी को, तो बोले आना हाँ टोरंटो में ओंटारियो में हमारा ऑफिस है। तो उन्होंने मुझे मेल की, मन की अच्छी है। तो मैंने भाई, आप भाई साहब जो भी पहले फोन करे उनसे कहना कि भाई तू पहले टोरंटो की स्पेलिंग बता दे, पहले तो छोड़ छोड़ बाकी ऑफिस का छोड़ दे, तू टोरंटो की स्पेलिंग बता, टोरंटो में तेरा ऑफिस है, उसके बारे में बाद में पूछेंगे। और तू बैठा बैठा यहाँ से फोन कर रहा है, कहीं दिल्ली से, कहीं बम्बई से, कहीं यहाँ से, पीआर दिला देंगे, पीआर दिला देंगे। पीआर की फुल फॉर्म क्या होती पहले ये बता दे भाई। तीसरा है कि तू कभी कनाडा गया कि नहीं, यहाँ से बैठ के बोल रहा कि पीआर दिलवा देंगे। अबे यार, हद होती है यार, हद होती है। हम, मेरे को लगता है कि राजनीति में जो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, उनसे कहेंगे भाई पहले पीआर का फ्रॉड से खत्म कर दे। हाँ ये तो आपकी है ना, आपकी फोटो कट गई बार, मेरा फोटो नहीं आ रही। लाइट हाँ, चली फोटो गई था, फोटो हाँ, लाइट चली गई लाइट चली गई तो लाइट ऑफ कर, मोटर यार। खराब हमने चल हमने तो रहा सुना था कि उत्तर प्रदेश में अब लाइट आ रही है, अब लाइट का फिर कट रही है, क्या हो गया भाई? लाइट अब आई अच्छा है अच्छा सर अब आई सब। है लाइट। अच्छा हाँ लाइट अच्छा अच्छा चली गई आप सर एक जगह बैठ जाओ, हेलो मतिया जरा। हाँ बस बैठ जाओ, बस जम जाओ इस जगह। हाँ तो तो सर। आप छोड़ो बस सब बातें, आप बताओ करते क्या हो मुरादाबाद में यार, आप करते क्या हो? मैं सर अभी तो स्टडी कर रहा था और कॉलेज में पढ़ाता था, स्टडी कर रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, पढ़ा क्या रहे हो? कॉलेज है हमारे यहाँ पे गांव में ग्रामीण में, इसमें पढ़ाता हूँ गांव में कॉलेज है, कॉलेज में क्या पढ़ाते हो आप? मैं, इंग्लिश पे समझ जाते हैं है? इंग्लिश इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? यहाँ गांव में छोटा कॉलेज है वैसे, नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ गया, इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हो आप, पहले बताओ तो, खुल के बताओ जरा। वही सर 5th क्लास तक कही है, तो उसमें तो वही अल्फाबेट वगैरह होते हैं। नहीं, आवाज सही नहीं आ रही, क्या पढ़ा रहे हो आप इंग्लिश में? छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, ABCD वगैरह अल्फाबेट का ज्ञान कराना यही होता है। ABCD अल्फाबेट का ज्ञान पढ़ा रहे हो? अच्छा, छोटा, कौन सी क्लास के लोग हैं ये विद्यार्थी, कौन सी कक्षा में है ये? 5th क्लास तक का है, फिफ्थ क्लास तक। अच्छा, 5th क्लास से पढ़ा रहे हो, ABCD पढ़ा रहे हो अपने। वाह वाह, फास्ट सीख रहे हैं अंग्रेजी, सीख रहे हैं बोलो, जी। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा तो आपकी आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री की है आपने, MA वगैरह क्या किया, हाँ MA किया है, उसके बाद में DL किया है 2 वर्ष का।
कौन सी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से किया आपने एमए? एमए कहाँ से किया भाई? कौन, मुरादाबाद में, मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी है? मुरादाबाद आवाज कट रही भाई साहब, कट रही आपकी आवाज, आवाज आपकी कट रही है, आपकी इंटरनेट सही नहीं आ रहा। अच्छा चलो, जो भी है आपने किया है, तो क्या करोगे क्या कनाडा जाके आप? यार आप नौकरी कर रहे हो यहाँ पर, मुरादाबाद में रह रहे हो, क्या करोगे कनाडा जाके आप? हैं? करना नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं आप, बताएं मेरे को, बताएं तो सही क्या क्या करने का इरादा, क्या क्या घूम रहा है दिमाग में आपके? ही गया है। अब क्या सर, वर्क करने का इरादा था और क्या करता वर्क करने का था? कौन, क्या काम करोगे आपको? जॉब जाके, क्या जॉब करोगे कनाडा का नाम जाके? नहीं तो पूछ रहा था उससे, भैया आप बताओ, मैं तो यहाँ पे कुछ करता हूँ। आप जो है पीआर की बात कर रहे हैं, उनकी पीआर में काम क्या करता हूँ आपको ये मालूम नहीं, और आप पीआर पीआर की बात कर रहे हो, आपको पीआर हो जाएगा पीआर अबे का चलो ऑफर उनकी, कर अबे उनकी बातें छोड़ दो दो यार भाई। ऐसा है, गुलफाम नाम है ना आपका? नाम क्या आपका? मुझे। गुलफाम, गुलफाम नाम सुन के गुलफाम ऐसा लग रहा है जैसे आप कश्मीर में, जैसे वो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन ऐसा नाम लग रहा है मेरे को भाई साहब। ये है कनाडा, आप घूम कर पहले आ जाओ, देख आओ वहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद देखना कि आपको मुरादाबाद के अपनी जॉब छोड़ के कनाडा जाना है कि नहीं जाना। अभी आपकी पीआर होगी नहीं होगी उसके बारे में डिस्कशन करने का भी कोई फायदा नहीं, उसके लिए इंग्लिश का टेस्ट भी चाहिए आपको, फिर आपकी डिग्री का इवेल्युएशन भी चाहिए, फिर एक्सपीरियंस का भी आपको, सारे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, और उसके बाद फिर ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री में लगेगी फाइल, कब लगेगी, कब होगा, कितने नंबर आएंगे, उसके बाद एज भी आपकी कम होनी चाहिए, 35 से कम होनी चाहिए। तो 27 इससे बेहतर ये है आप पहले कनाडा एक बार घूम आओ भाई साहब। आपके पास नौकरी है, अगर दो दो पैसे हैं आपके पास, 3-4 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, एक कनाडा का एक पैकेज बनाओ आप, एक आध हफ्ते 2 हफ्ते महीना आप घूम कर आओ कनाडा, फिर देखो, फिर बताना मेरे को कि कैसा लगा आपको, फिर उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको कनाडा में परमानेंट रहना है कि नहीं रहना, का समझे? सर, आपसे भी पूछना था, आप जो बात बताते हैं वो राइट बताते हम तो हैं राइट बताते ही हैं, यानी हमें तो हमने तो आपसे एक पैसा नहीं लिया बात करने का, और ना ना लेने की हमें कोई कोई जिज्ञासा है, ना कोई उम्मीद है कि हम आपसे लेंगे। हम तो आपको जो हमारे मन में आ रहा वो बता रहे हैं, और हमें पता है कि हम बता जो दिल से आवाज़ निकलती है वो सही निकलती है, और हम तो कोई इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना आपको ना किसी और को। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, सलाह मानोगे तो फ्रॉड से बचोगे, इधर उधर किसी को पैसा देने को झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नौकरी अच्छी है और आपके पास दो पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो जहाँ जैसे आप कभी दिल्ली बम्बई जाते हो घूमने घामने जाते हो, टूरिज्म के लिए जाते हो, वैसे टूरिज्म के लिए कनाडा का मूड बना लो। अगर वीज़ा लग जाए, वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है, वीज़ा लग जाएगा शायद, लग जाए ना लगे तो, ना लगे तो बैठो फिर, समझे? नहीं। अगर दो पैसे कमाने हैं तो इधर चले जाओ, मिडिल ईस्ट चले जाओ, कोई दुबई, सऊदी, कुवैत, मस्कट, मुस्कुट, यहाँ देख लो, यहाँ कोई जॉब मिल जाती है, यहाँ दो पैसे पता लग जाएगा क्या हो रहा है, विदेशों में क्या कर रहे हैं लोग। अभी जो वहाँ बैठे बैठे गांव में बैठ बैठ के विदेश का सपना ले रहे हैं कि पता नहीं विदेश में कौन से पैसे गिर रहे हैं ऊपर से, आकाश से फ्री पैसे, डॉलर गिर रहे हैं ऊपर से। अब ऐसा तो मैंने, मेरे को तो 25 साल हो गए, मैंने तो आज तक कभी यहाँ से पैसे गिरते कभी देखे नहीं, और मेहनत तो यहाँ भी उतनी करनी पड़ती जितनी गाँव में करोगे। ये जरूर है कि थोड़ा सा किसी के हिस्से में आता है कि बाहर जाके धक्के खाना है, किसी के हिस्से आता है घर जाके पैसे कमा लेना, अपनी अपनी किस्मत है भाई। नहीं और बताएं, नहीं आप छोड़े छोड़े नहीं आप छोड़े उस बात को यार, वोट 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 किसे दे दिया आपने यार, छोड़े, समाजवादी समाजवादी हमें पा, हाँ इस एरिया में को समाजवादी ज्यादा चलती है। लिया अच्छा चलो, पता लग जाएगा 2-3 दिन बाद, अभी अगले हफ्ते मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है भाई गुलफाम, और मेरे लिए कोई सेवा, कोई गया। कोई सवाल मेरे लिए कोई है? आखिरी सवाल बताएं। अरे यही पूछना था मुझे, जो मुझे तो बता रहे हो, बोला था आप मेरा नंबर है आप उनको दे देना, अगर बनती है, अगर है आप जो है सही काम करते हो। बोले मैं हमारा जो 18 वर्ष से जो है हमारा वो है ना इमिग्रेशन जो है एजेंसी है, तो लोग काम नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, भाई भाई, मैं ऐसा आप ऐसा है कि हम पब्लिक फोरम में बात कर रहे हैं और दुनिया देख रही है इस वीडियो को, मैं अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकालना नहीं चाहता
जिससे कि लोग समझे यार कि मैं ऐसे शब्द भी बोल सकता हूँ। तो भाई जो लोग जो अपनी अपनी जिनको कहना है कहने दो, कोई 18 साल से काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अंदर से सब भैया खोखले हैं सभी, क्या समझे। बोल रहे सर, दुनिया छोड़ वाली सर, हिंदुस्तान में सही भी कोई इंस्टीट्यूट है नहीं जो सही काम करते हो। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो बात आपने ऐसी कर दी कि डॉक्टर तो हजारों हैं, डॉक्टर सही कौन सा है जो सही इलाज कर दे, जो पैसा भी ना ले और पैसा थोड़ा ले और आपको तकलीफ को भी समझे। ऐसा ढूंढना तो बहुत मुश्किल है कि भाई साहब सही डॉक्टर बताओ। कोई सही डॉक्टर, सही वकील, सही प्रोफेशनल मिलने के लिए खुद ही आपको खोज करनी पड़ती है। कोई ऐसा किस्मत से बता दे कि हाँ भाई वहाँ सही है चले जाओ तो आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन खुद ही धक्के खाने पड़ते हैं कि भाई सही आदमी टक्कर तो जाए। सर आप तो सेमिनार में आते हैं, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो। नहीं मैं सेमिनार करता हूँ, मेरे को भी सेमिनार करता हूँ, मेरा तो पेशा है, मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ सेमिनार। और मेरे को भी अपने दाल रोटी कमाने के लिए, परिवार को कमाने के लिए सेमिनार की कुछ फीस चार्ज करनी पड़ती है, कुछ कंसल्टेशन फीस चार्ज करनी पड़ती है। ठीक है, मजबूरी है भाई, क्या करें, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ लोगों को और गुमराह ना करूँ। ये मेरा जन्म से अधिकार है और पेशा भी है और मैं इस पे अटल हूँ। और बाकी ये है कि कुछ लोग समझना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं। वैसे आपकी थोड़ा इंटरनेट इंटरनेट की स्पीड कट रही है लगता है, मेरे ख्याल कुछ इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत हिल रही है शायद। अच्छा, गांव से आप बोल रहे हैं और गांव में भी इंटरनेट स्पीड आ रही है, ये भी बड़ी 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 प्रशंसनीय बात है भाई कि इतनी स्पीड तो कम से कम आ रही है गांव में। बात हो पा रही है सर, जियो का नेटवर्क हाँ तो कुछ जो है इस टाइम, है, जियो का नेटवर्क तो कुछ जो है नेटवर्क सही है ना, तो गांव में तो फ्री हाँ रहता है। ठीक है हाँ ठीक है, चलो चलो अच्छी बात है। मैं आऊंगा, दिल्ली आऊंगा एक्चुअली अगले, मेरा 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 इरादा है दिल्ली आने का अगले 2-1-2 महीने में। तो आप से बड़ी खुशी होगी मिलने, यहाँ पर आए दिल्ली आ सकते हैं, जरूर आए मिलने। नहीं सर मैं आ जाऊंगा, आप बताएं तो बात करता मैं रहूंगा सर पोस्ट कर आप। दूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा, मैं फेसबुक पे लिख देता हूँ कभी कभी, मेरे फेसबुक पे अगर आप फॉलो करें तो उसमें मैं लिख देता आप हूँ कि मैं इस तारीख में दिल्ली हूँगा। तो मैं तो मेरे को तो लोगों से मिलने में बड़ा अच्छा लगता है, और लोगों की कोई तकलीफ अगर दूर होती है और उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है मेरा जन्म सफल है अगर किसी की प्रॉब्लम दूर होती है। तो आप देखते रहें, वहाँ से फॉलो करते रहें फेसबुक पे, और अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो जब जब कनाडा जाने के लिए तैयार हैं तो दिल्ली तो आ ही सकते हैं वहाँ ये सर दिल्ली में आप आओगे तो जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। मैं आपसे बात भी करता रहूंगा सर, बीच बीच में कभी ना कभी आपसे, ऐसी बात नहीं है। आप हाँ जब भी सही दिल्ली आओगे आपसे मिलने के लिए, सही है। और सर आपसे मिलने जाओ मेरे को खुशी बहुत, मेरे को खुशी दो बातों की है कि यार एक तो आप गांव में बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इसकी खुशी है एक तो, और दूसरी बात ये है कि आप इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, किसी के झांसे में नहीं आए, ये बड़ी मेरे को तसल्ली है कि किसी के आप चक्कर में नहीं आए। क्योंकि मेरे को ऐसे रोज ही पांच छह कॉल्स आती हैं, फलाने ने मेरे को जॉब ऑफर दिया, उसने मेरे को PR दिया, उसने मेरे को शादी के लिए कहा, ऐसे मेरे को 5-6 कॉल्स आती हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सबकी कॉल्स मैं लूं और सबकी कॉल अटेंड करूं। कई लोग सोचते हैं यार ये हमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास वाकई इतना टाइम नहीं होता। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आ जाता है, कभी मैं नाम, आपका नाम एक तो मेरे को पसंद आया, गुलफाम नाम मेरे को बड़ा पसंद आया, मैंने कहा गुलफाम से जरूर बात करनी चाहिए पहले। तो सर। आप, मेरी किस्मत है कि आप सामने आ गए और हम तो बात कर रहे हैं। आप आओगे जब मैं आपसे मिलने गया तो कुछ नहीं है कि मैं अपना जो कोई काम कराऊंगा तो आपको सीधी पे करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन देते हो और टाइम नहीं पे जो नहीं काम चलो करते हो वो आदमी का भाई अपनी ऐसा तरफ नहीं है, मेरे को कोई पैसे का ऐसा कोई एप्लीकेशन ना एप्लीकेशन को खींचने के लिए मेरे को कोई ऐसा कोई दाना डालने की जरूरत नहीं है कि भी आप मेरे पास कोई भी आए, आप आओ मेरे से काम कराओ, मेरे को ऐसा मेरे कोई अंदर से लालच नहीं है। मेरा तो ये है कि थोड़ा बहुत मेरे कंसल्टेशन फीस से थोड़ा सा खर्चा चलता रहे, दाल रोटी और किराया घर का, बच्चों की पढ़ाई चलता रहे, इतना बहुत है यार, क्या करेंगे इतना पैसा कमा के, थोड़ा बहुत से सही है, सपना चलता रहता है, इससे बड़ी है। मेरे को तो लोगों से
मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे से ज्यादा मेरे को किसी का अगर काम होता है और उससे उनको जो खुशी होती है, उनकी शक्ल पे जो एक रौनक आती है, उसको देखकर जो मेरे को सुकून मिलता है उससे, वही मेरा वही है, वो मेरा वो है इनाम है बस। जी सर, मैंने आपके पास खोल दी कि मैं आपको वीडियो देखता हूँ, आप जो बिल्कुल सही बात बताते हो। बहुत सारे मैंने देखे उनके पैसे वहाँ फंस गए, वहाँ फंस हाँ, कई कईयों ने फोन गए। किया मेरे को, कई लोग फोन करते थे उनके, किसके पैसे फंस गए, यहाँ फंस गए। तो ऐसे ही हमने कहा है भाई, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं उसको अगले को कैसे बोलूँ, मैं हम लोग ऐसा करते हैं, बात करते हैं इस बारे में, और YouTube में जो वीडियो बनती है तो आप उनको बता देना भाई, आपकी बदनामी हो जाएगी, होती है, और आपका नाम आ रहा है, लोग देखते हैं, आपका दुकान बंद हो सकती है, तो भाई पैसे वापस कर दें। और उसी YouTube वीडियो से लोगों ने पैसे वापस कर दिए। सही है सर, मैंने उनसे बोला कि आप जो है फ्रॉडो मुझे कॉल पे कॉल करते रहते हो, रोज कॉल आ गई उनके एक दो बार मेरे पास कॉल करते हैं वो लोग, है ना, आप हाँ, अरे बता वो रहे हो। ऐसे ही करते रहेंगे, दुकानदारी है ना, फंसाना है किसी को। देखो, जब तक किसी को फंसाएंगे नहीं तब तक वो कैसे अपना, वो भी अपने, हर एक बंदा सोच रहा है कि भाई पैसे कमाए, और वो आपको फंसाएंगे, आपसे कुछ पैसे लेंगे। बस देखो, पैसा कमाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन जब वो आपके पास सही सामान ही नहीं है, आप बेच कह रहे हो, आप मतलब कि ना आपके पास कोई वीजा है, ना कोई स्कीम है, ना कोई जॉब है, ना कुछ है, क्या कैसे फंसा रहे हो? और गाँव गाँव के लोगों को फंसा रहे हो यार, गांव के लोगों को हो, मैं मानता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, गांव के लोगों को फोन करके बोल रहे हो कि भाई हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो भाई किसी दिल्ली वाले को, जो कोई सेठ आदमी है, कोई दिल्ली वाला जो प्रोफेशनल है, उसको फंसाओ ना जाके। तो माने गांव के हाँ बोल वाला आदमी फंसाने के लिए हाँ क्या करते ठीक है भाई साहब, गुलफाम और बताएं, हैं। और बताएं, और बड़े ठीक, बड़े अच्छा लगा मेरे को बात कर, और बताएं, मेरे लिए कोई सवाल है फिर, नहीं तो फिर हम लोग विदा विदा लेता हूँ आपसे। हाँ बोले। सर हाँ, जैसे मैं बताया कनाडा यूनिवर्सिटी की मैंने जो मैसेज छोड़ा था तो उससे एक यूनिवर्सिटी से मैसेज आया, तो क्रिश्चियन नाम से कॉलेज है, आपकी अगले आवाज जो साफ नहीं चौदह आ रही है, पंद्रह में साफ है, साफ नहीं आवाज आ हाँ रही मेरे को, साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? कनाडा यूनिवर्सिटी क्या कहा आपने? तो उससे मेल आई मेरे पास में, कोई क्रिश्चियन कॉलेज है। हाँ क्रिश्चियन कॉलेज है क्या? क्या कर रहे हैं, क्या करना है इस कॉलेज में? जैसे मैंने स्टडी के लिए मैसेज किया था, उसमें इन्फॉर्मेशन डाली थी अपनी इंक्वायरी के लिए, तो उधर से मैसेज वापस किया, उधर क्रिश्चियन कॉलेज है कोई। मैंने तो आज तक सुना नहीं क्रिश्चियन कॉलेज कुछ, मैंने तो यहाँ रहते हुए बहुत सालों का क्रिश्चियन कॉलेज कोई नाम सुना नहीं। अगर कॉलेज कोई, अगर आपको कोई ऑफर लेटर दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो मेरे को लेटर दिखाना, कोई मैसेज दिखाओ, अदरवाइज आई डोंट नो एनी क्रिश्चियन कॉलेज। हाँ तो मेल भेजी थी अरे उन्होंने, अब सर कई, से बात अरे कर लिया कई तो सर ऐसे से बात। फर्जी, अरे कई ऐसे फर्जी कॉलेज भी खुले हुए हैं कि एक एक घर 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 में, दुकान दुकान, छोटे से कमरे में कॉलेज जैसी दुकान खोल रखी है लोगों ने, तो उससे भी सतर्क रहें, यहाँ पर फ्रॉड हर चीज़ का बहुत चलता है। आओ तो वहां पे बिल्डिंग नहीं दे रहा हूँ, जैसे आप जैसे जो मेरे में आओगे, आप दिल्ली में कहाँ पे आओगे, इस पे आओगे दिल्ली जैसे। में एड्रेस बता दूंगा, मैं कनॉट प्लेस में रुकता हूँ हमेशा, कनॉट प्लेस में, फिर मैं जहाँ पर रुकता हूँ मैं उसका एड्रेस वगैरह कर देता हूँ पब्लिसाइज, तो पता रह जाएगा आपको। दिखाना आप सर, कई बार हैदराबाद भी आए थे आपका, वो भी शो हाँ, देखा था मैंने। मैं हर जगह, अच्छा हर जगह जाता हूँ, मैं हैदराबाद भी गया हूँ, पंजाब भी जाता हूँ, मैं एक दो बार पहले पुणे भी रुका हूँ, मैं मुंबई भी मैं गया हूँ एक बार, और साउथ में भी, हैदराबाद के अलावा भी बंगलौर भी गया हूँ एक बार, चेन्नई भी जा चुका हूँ एक बार, जहाँ जहाँ प्रेमी है बुलाते हैं जाता हूँ मैं, मेरे को कोई, मेरे को तो घूमने में अच्छा लगता है, मैं तो अच्छी नई नई जगह जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपके इस तरफ सर मुरादाबाद आप में, मुरादाबाद लखनऊ इस तरफ यूपी में कहीं किसने आज तक बुलाया नहीं, तो मैं गया नहीं। सर मुरादाबाद बुलाएं तो आ जाएंगे सर आप। जी, क्यों नहीं आएंगे सर जी, अगर आप कोई बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। मुरादाबाद में क्या है, मेरे को क्या प्रॉब्लम मुरादाबाद में? तो आप बताओ दिल्ली आओ तो उसके बाद में हमारे यहाँ हाँ मुरादाबाद आ हाँ रहा। दिल्ली दिल्ली में आऊंगा, आप देखते रहो मेरे को, फेसबुक आप टैग करते रहो, पता लग जाएगा आपको। सर मैं आपको कॉल भी करता रहूंगा, बीच में बात करते रहूंगा आपसे, और हाँ पता ही ठीक है, चल ठीक जाएगा। है। सर जैसे एक वहाँ पे पंजाब में एक वो है आर एस ग्लोवर नाम से, वो तो ठीक है इमिग्रेशन वाले में नहीं, हम मैं किसी कुछ। मैं किसी के बारे में कह नहीं सकता कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, हजारों कंपनियां खुली हैं हर एक जगह, मेरे को कंपनी के नाम से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो ये है कि उनके पास है क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ऑफर है, क्या है, क्या स्कीम है, वो हमें
सामने लाके मेरे को कन्विंस करें, तब मैं बताऊंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ओके भाई गुलफाम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच है, खुदा खुदा हाफिज़। जी जी अल्लाह जी।